आप सबका इंसेंटिव में स्वागत करता हूँ। और आज जो हम लोग पढ़ने आए हैं, क्लास 11th पढ़ेंगे। और क्लास 11th का हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। और आज हमने आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया है जो आप सबको जानना है। ऐसे इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आप पिछले क्लास 9th में पढ़ करके आए थे, तो चलिए उस क्लास 9th को याद कराते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। और ये जो मेरे पास चैप्टर है वह आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगले लेसन के लिए। कहने का मतलब है कि इस टॉपिक के सहारे आप बहुत सारे चीज़ों को पढ़ सकेंगे और आपको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पिछले जो वीडियो हमने कई आपके साथ दिए हैं, उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो आज के जो पास टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेरे पास टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए, हमारे पास जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, स्टार्ट करें। देखिए, हम लोग अभी तक जो पढ़ करके आए थे केमिस्ट्री में फार्मूला पढ़े हैं, है ना। फार्मूला क्या पढ़ोगे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब आप पढ़कर क्या है? इसका हमारे पास फार्मूला है। और फार्मूला हमारे पास क्या क्या है, इसको बोलते हो H2O, है ना, इसको क्या बोलते हो भाई, CO2, इसको क्या बोलते हो भाई, H2SO4। तो हमारे पास जो फार्मूला है वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह से मेरे पास बहुत सारा फार्मूला है। तो यहाँ हम लोग देखते क्या है भाई, इसमें ज्यादातर देखते हैं कि मेरे पास H2O है। H2O का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसी को हम लोग पढ़कर एक और आते एटमोसिटी, है ना। तो एटमोसिटी क्या होता है, नंबर्स ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल कुछ भी हो तो उस मॉलिक्यूल्स में जितना हमारे पास एटम प्रेजेंट करता है उस एटम के नंबर्स को क्या बोलते हो आप, एटमोसिटी। तो यहां पर वाटर का देखने के पास एटम है, सिटी है कितना, 3। अगर बात करो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 2 है, कुल मिलाकर कितना हो गया, 3 हो गया। चलो भाई सल्फ्यूरिक एसिड में आ जा, H2SO4, H2 मेरे पास 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, कुल मिलाकर के 7। तो ये जो मेरे पास फार्मूला है ये मेरे पास एक क्लियर कर देता है कि मेरे पास कंपाउंड है किस किस से मिलकर के बना हुआ है और कौन कौन एटम किस रेशियो में है, उसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, कितने मॉलिक्यूल्स मिलता है, है ना। आइए क्लियर करते हैं। तो यहां पर जब वाटर में जाते हैं तो मेरे पास हाइड्रोजन कितना, 2 गो, ऑक्सीजन कितना भाई, 1 गो। कहने का मतलब कि वाटर को बनने के लिए ऑक्सीजन 1 चाहिए और हाइड्रोजन 2 चाहिए,
और इसकी खैर रेशियो हम लोग बता करके आपको ले आए हैं, जो मेरे पास रेशियो होता है 1:8 होता है, यानी कि हाइड्रोजन 1 होगा और ऑक्सीजन 8 होगा। तो 1:8 में अगर इसको मिला दें, मेरे पास जो कंपाउंड तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसका जो आप रेशियो देखकर का शायद 3:8 देखकर क्या है, कहने का मतलब कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, कार्बन का जो मेरे पास रेशियो है 3 है और ऑक्सीजन 8 है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 में मिला दिया जाए तो जो मेरे पास कंपाउंड तैयार होगा उसे क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। खैर इसका हम लोग निकाल के नहीं लिया है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं या फिर अगर चाहें तो हम इसको निकाल देते हैं। देख लो भाई, ये हमारे पास 2 हो जाता है, ये हमारे पास 32 हो जाएगा। सल्फर का एटॉमिक मास लेते हैं हम लोग और ये जाएगा मेरे पास 64। कैंसिल करना चाहोगे लो भाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। कहने का मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास हाइड्रोजन कितना 2 गो, सल्फर कितना 1 गो और ऑक्सीजन कितना हमारे पास 4 गो, और ये जो मेरे पास एक रेशियो मिलेगा, और हमारे पास रेशियो है कितना 1:16:32। कहने का मतलब कि 1:16:32, कहने का मतलब कि हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन को 1:16:32 में अगर मिलाएंगे मेरे पास क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और यह जो मेरे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास बात थी, इसके अलावा हम लोग एक और बात करेंगे। तो ये जो मेरे पास जितना आप देख रहे हो भाई, इसी को बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला, है ना। और मेरे पास केमिकल फॉर्मूला का कौन सा फॉर्म है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला ही है, बट मोलिकुलर में क्या होता है कि वो सारी बात को बताएगी कि कौन एटम कितना है, कैसे मिला है, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, उसकी रेशियो क्या है, उसका वेटेज क्या है, ये सारी बात बताएगी, कितना नंबर ऑफ मोल है। तो ये जो चीज हमें इंफॉर्मेशन देती है उसे बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहने का मतलब क्या होता है, वह मोलिकुलर फॉर्मूला ही होता है। एम्पिरिकल क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है क्या भाई। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है एक रेशियो में होता है, ठीक है। मोलिकुलर तो आपका एवरी एटम होता है, बट जो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है वह एक सिंपलेस्ट रेशियो में रहेगा। कोई बच्चा कह रहा है क्या असर बोल दे, समझ नहीं आ रहा, हम लिख करके दिखाते हैं भाई तो समझ में आएंगे। ऐसे आप याद रखोगे कि जो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला है वह मोलिकुलर फार्मूला से ही बनाए जाते हैं, बट जो एम्पिरिकल होता है वह एक रेशियो में होता है ना। और आज आपको हम दिखाएंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, है ना। एक हम निकालेंगे उसके कंपाउंड से और एक निकालेंगे उसके कॉम्बिनेशन अमाउंट से, कितना कितना कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या बनेगा और उसकी एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगी, और एक बताएंगे उसके फार्मूला से निकालने के लिए। ऐसे आप याद रखो कि मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है वह सिंपलेस्ट रेशियो होता है मोलिकुलर फार्मूला का। चलिए देखिए कैसे कैसे है। तो देखिए हुआ आपको दिखाते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला, ध्यान से देखिएगा। और आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन पढ़ना है, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ढंग से पढ़ते चलिए। चलिए एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, चलिए दिखाते हैं। तो बात कर लो भाई बेंजीन, ठीक है, बात कर लो भाई ग्लूकोज,
ठीक है, बात कर लो भाई हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो एक और बात कर लो भाई इथेन। इथेन का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है C2H4। एक और बना लो भाई एसिटिलीन। और एसिटिल का जो मेरे पास फॉर्मूला है C2H2। इसका होता है C2H4। इसका हमारे पास होता है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका चलते भाई ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, बेंजीन का चलोगे भाई C6H6। हमने कंपाउंड लिया, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दिए। अब क्या करेंगे, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ हम निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने बोला है एक सिंपलेस्ट रेशियो में है, तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। ठीक है, कार्बन कितना हमारे पास 6 है, हाइड्रोजन कितना हमारे पास है 6 है, दोनों कैंसिल कर लो भाई, क्या मिल गया 1:1। यानी कि कार्बन एक और हाइड्रोजन एक, तो कार्बन एक और हाइड्रोजन एक CH हो जाएगा, क्लियर। और ये जो आया है मेरे पास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक बच्चा कह रहा है काफी तो आसान है सर, हम लिखे हाँ, क्योंकि इसको हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही, और ये हमारे पास काफी आसानी होता है। ठीक है, आगे चलो भाई इसको निकाल लो। यह बना हुआ किससे भाई, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसको भी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान भटक जाएंगे परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए आप जब भी वीडियो देखो भाई एकदम कंसंट्रेट होकर के, है ना। इसलिए हमने यूट्यूब पर इसको अच्छे से पुट कर दिया है, ताकि आप जब फ्री हो, जब आपको लगे पढ़ सकते हो भाई, और आपके साथ तो मैं, है ना। चलिए तो देख लो भाई, निकाल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन कितना भाई 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, और ऑक्सीजन कितना हमारे पास है 6 है, कैंसिल हो जाएगा 1:2:1। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, और फिर जाएगा हमारे पास 6 1 6, कितना आ गया हमारे पास भाई 1:2:1। यानी पहले मेरे पास कार्बन है वो, हाइड्रोजन तो वो ऑक्सीजन है वो, कहने का मतलब कोई हमसे पूछेगा कि आप बताइए बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, उनको आप बता सकते हो CH। ठीक है, अगर आपसे पूछा है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, आप उनको बता सकते हो CH2O, कार्बन एक हो, हाइड्रोजन दो हो और ऑक्सीजन है। ठीक है, निकाल लो भाई H2O2 को, दो को हाइड्रोजन और दो को ऑक्सीजन, कैंसिल हो जाएगा 1:1, यानी हाइड्रोजन H2। अगर आपसे पूछेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2। ठीक है, चलिए आगे देख भाई C2H4। तो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन कितना भाई 2 को, हाइड्रोजन कितना है 4 को, लो भाई कैंसिल कर लो, क्या मिल गया 1:2।
कहने का मतलब कार्बन कितना हमारे पास एगो और हाइड्रोजन कितना दो गो। कहने का मतलब कि अगर इथेन का मेरे पास इस प्रकार से फॉर्मूला कहा जाए तो क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, एक और बच्चा हो इसको बना दो भाई एसिटिलीन का। इसमें मेरे पास क्या है कार्बन है हाइड्रोजन है कितना में दो टू है। कहने का मतलब कैंसिल हो जाएगा 1:1 CH। हमने किया क्या, कोई कंपाउंड था उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया था, हमने क्या कर दिया उसका एक सिंपल रेशियो कर दिया एम्पिरिकल सागर, है ना। जैसे बेंजीन का हमारे पास क्या आ गया CH आ गया, ग्लूकोज का क्या है CH2O है, हाइड्रोजन परसों का हमारे पास क्या है HO। ठीक है, इथिन का मेरे पास क्या है CH2। ठीक है, एसिटिलीन का मेरे पास क्या है CH आ गया। अब क्या करना है भाई, एक दो विद्यार्थी के हमने बातें से चल रहे हैं कि सर कुछ कुछ मेरे पास कंपाउंड है उसको ही बताइए, शायद उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला नाम निकले तो। हम लोग पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, आपके पास जो दिमाग में बात चल रही है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, मीथेन का, इसी टाइप का सॉर्ट फार्मूला है। जहां पर आप अगर आप रेशियो करना चाहोगे तो उसका रेशियो नहीं होगा। तो पहले आपको दिखाते हैं रेशियो कैसे नहीं हो रहा है और जब रेशियो नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे, है ना। तो चलिए देखा जाए और हम थोड़ा आपको बोलेंगे कि जो जो चीज का हमने यहां पर निकाल दिया है उस चीज को आप थोड़ा सा याद कर ले तो निकालने में आपको सहूलियत होगी। ऐसे दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे और करके ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आइए अगला दिखाते हैं आपको, और वो दिखाना क्या हमारे पास है तो कुछ कुछ कंपाउंड और बचे हुए हैं। मान लो भाई वाटर है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, NH3, बस इतना ही से हो जाएगा। एक और ले लो भाई मीथेन, कितना हमारे पास है CH4, है ना। चलिए तो हम वाटर में जाते हैं, है ना, तो देखते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन तो है ऑक्सीजन एक है, यही ना। कार्बन अगर मिल जाएंगे मेरे पास तो क्या मिलेगा कार्बन ऑक्सीजन, इसलिए मेरे पास रेशियो है 1:2 है, 1:2 है। अगला आप जाते हो भाई तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यह कितना है 1:3 है। और अगला में आप जाते हो तो कार्बन और हाइड्रोजन है 1:4 है, यही है ना। यानी कहने का मतलब ठीक है, तो इसकी जो मेरे पास रेशियो है कोई भी ऐसा मेरे पास रेशियो नहीं आया जिसको आप कट कर सकते हो, है ना। कोई भी ऐसा मेरे पास रेशियो नहीं जिसको हम कट कर सकते हैं, तो खैर कोई बात नहीं, जो कैंसिल होने लायक होगा उसी को करेंगे, जो कैंसिल नहीं होगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब किसका हो जाएगा H2O, इसका हो जाएगा CO2, इसका हो जाएगा NH3 और इसका हो जाएगा CH4। यानी कि जिसका रेशियो हमारे पास नहीं आया, सिंपल रेशियो में नहीं आया, तो उसका जो इंपिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला दोनों सेम होगा। बात समझ आ गया, वैसे कंपाउंड
जिसका जो एलिमेंट्स कंबाइन करता है वो अगर सिंपल रेशियो में नहीं आए तो उसकी जो हमारे पास फार्मूला होगी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल्स दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बस समझ में आ गया। चलिए तो अब हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल्स फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में कुछ रिलेशन है, तो जिसका रेशियो आएगा उसी को रेशियो करिएगा, जिसको नहीं आएगा आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, किसी किसी का सेम होता है। और सिर्फ हमारे पास क्या है दिखा दिया, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया बहुत सारा है, जिसको रेशियो हो जाएगा कर लीजिएगा, रेशियो होगा नहीं होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं एम्पिरिकल्स फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का मेरे पास रेशियो क्या है ना। देख भाई रेशियो चलिए एक रिलेशन हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल्स फार्मूला का है ना, तो यहां पर ही किसी को जोड़ देते हैं। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल्स फार्मूला है ना, एम्पिरिकल्स फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के हम करते क्या हैं, उसकी रिलेशनशिप निकालते हैं। आप याद रखोगे बाबू कि जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है यह क्या होता है, एन गुना में एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एन गुना में एम्पिरिकल फार्मूला। और एन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ रेशियो, और ये मेरे पास एन कितना होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, जो भी आपका लाइज कर जाए, ठीक है। चलिए अगर आप एन निकालना चाहते हो भाई तो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला और बाई में क्या हो जाएगा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, एन कितना जगह हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और बाई में क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला है ना। एन का एक और निकाल सकते हो, वो क्या निकालेंगे भाई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाई में एम्पिरिकल फार्मूला मास। कहने का मतलब कि एन आप दो तरह से निकाल सकते हो है ना, एक मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल मास और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई में एम्पिरिकल फार्मूला। आइए करके दिखाते हैं, मान लो भाई बेंजीन है, हमारे पास फार्मूला कितना होता है C6H6 है ना, और इसके जो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला को तुरंत आपको निकाल करके दिखाए थे कितना भाई CH, ठीक है। तो जब N निकालने के लिए आप चलते हो भाई तो क्या हमारे पास फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बाई क्या है एम्पिरिकल फार्मूला। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है कितना C6H6 और मेरे पास कितना है CH है ना, करो भाई क्या है 6 कर लो बाहर तो CH हो गया, बाई कितना जाएगा CH, मेरे पास क्या हो गया कैंसिल, N का हमारे पास कितना आ गया 6। अगर N का बोलो अगर 6 आ गया मेरे पास, इसको और हम निकालना चाहते हैं वो भी निकलेगा मास से। चलो मास से निकाल के दिखाते हैं, मास से हम कैसे निकालेंगे, आइए तो पहले हमको आपको मास निकालने के लिए सिखाया है,
उस मास से हम लोग पहले आपको मास निकालो बेंजीन का, कितना हमारे पास है C6H6, यही ना, कितना जगह, कार्बन है 6 और एक कार्बन का 12 होता है, 6 × 1 72 + 6 = 78, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसा कितना मार पर होता है CH, इसका निकाल लो 12 + 1 कितना जाएगा 13, दोनों का मास निकाल दीजिए। ये जो मेरे पास क्या आ गया, ये जो मेरे पास है मॉलिक्यूलर मास है और ये हमारे पास क्या है एम्पिरिकल मास है। तो अगर पूछेगा आपसे कि एम्पिरिकल मास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से मास निकले उसको बोलते हैं एम्पिरिकल मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, और जो एम्पिरिकल फार्मूला से मास आ जाए उसको बोलते हैं एम्पिरिकल मास, ठीक है। चलिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा एन का वैल्यू, फार्मूला हमारे पास यही था ना, मॉलिक्यूलर मास बाई में एम्पिरिकल मास, कितना जाएगा 78/13, कितना हो जाएगा 6। आगे तो ये सारी बात हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास तो एम्पिरिकल निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल है तो हम ऊपर निकाल सकते हैं, हो गया। एक हमारे पास क्वेश्चन आपसे 11th में क्या आते हैं उसको बनाकर दिखाते हैं, तब आपको एक टारगेट मिलेगा कि हमें कैसे करना है। ये जो हमने बात किया 9th और 10th वाले, 9th और 10th में ऐसे क्वेश्चन आते थे और हमें समझना पड़ता था, 11th में कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बना देते हैं और इसी के आधार पर आप उसको और प्रयास करोगे बनाने का, ठीक है ना। तो चलिए एक बना करके दिखाते हैं, चलो भाई पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन इसको भी मिटा देते हैं, तब क्वेश्चन लिखाएगा, क्वेश्चन लिख देता हूं और उसके बाद बनाते हैं। लिखे क्वेश्चन देखा जाए, पहले ही लिख देते हैं कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिख रहा है क्या, चलो भाई ठीक है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला कब भाई, तो आयन इफ लगा लो भाई, इफ आयन इन ऑर्गेनिक सॉल्ट, इफ आयन इन ऑर्गेनिक सॉल्ट है ना, गिव फॉलोइंग परसेंटेज, गिव फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, और जो पास दिया हुआ क्या है सोडियम, कितना भाई 29.11, ऑक्सीजन कितना भाई 30.38, सल्फर, सल्फर कितना हमारे पास भाई 40.51। चलिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन समझाते हैं उसके बाद फिर आपको बना करके दिखाएंगे। कहता है कि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो किसका, एक कंपाउंड का, वो कंपाउंड है क्या सॉल्ट है, ठीक है। तो जो मेरे पास सॉल्ट है उसकी निकालनी है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला, और वो जो मेरे पास सॉल्ट है 3 एलिमेंट से मिलने से बना, वह एलिमेंट्स कितने से बना हुआ है, 3 एलिमेंट से मिलने से बना हुआ है। पहले एलिमेंट हमारे पास क्या है सोडियम, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, और तीसरा हमारे पास क्या है सल्फर। तो सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन इन तीनों को मिलाने से मेरे पास एक सॉल्ट तैयार हुआ है,
उस सॉल्ट का हमको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं देखिए, आप भी प्रयास करिएगा। तो हम लोग बहुत सारे डाटा बनाएंगे, हम इधर बनाते हैं वह एलिमेंट है ना, और इस बाद हम बना देते हैं इसका मोलर मास। एलिमेंट का और उसके बाद हम बना देते हैं परसेंटेज, फिर बना देंगे नंबर ऑफ मोल, फिर बना देंगे रेशियो, और इधर बना देंगे वह रेशियो यानी कि एन का वैल्यू, और इधर बना देंगे वो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल रेशियो देख लो भाई, एम्पिरिक बड़ा लिख देते हैं शायद कमेंट में बार बार हमारे पास आए हुए हैं कि सब थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए तो भूल जाते हैं। चलो भाई ऐसे पता चले। चलिए तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बनाने के लिए इतने आपको डाटा तैयार करना है एक एलिमेंट्स का, उसमें क्या रखोगे भाई, तो जो मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है, तो मेरे पास एलिमेंट्स का दिया हुआ है सोडियम दिया हुआ, सल्फर दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। मोलर मास रखना है किसका, इसका, तो कितना भाई 23, 32 और 16, ठीक है। इसमें जब परसेंटेज आपके यहाँ पर दिया हुआ है, सोडियम कितना दिया हुआ भाई 29.11, सल्फर कितना दिया हुआ भाई 40.51, और ये कितना दिया हुआ मेरे पास भाई 30.38, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है नंबर्स ऑफ मोल है ना, नंबर्स ऑफ मोल यानी कि हमें पता है नंबर्स ऑफ मोल क्या होता है W by M, नंबर्स ऑफ मोल क्या होता है W by M, उसका बोलते हो क्या भाई गिवेन मास बाय मोलर मास। तो गिवेन मास क्या है और मोलर मास क्या है देखिएगा, मेरे पास गिवन मास कितना हमारे पास है, तो जो परसेंटेज दिया उसको रखेंगे, और मोलर मास कितना है 23 दे देगा मेरे पास, ये क्या देगा मेरे पास भाई ऐसे ले देते हैं LN, यानी कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कितना भाई 29.11 by 23, ये क्या मेरे पास भाई SN, SN क्या नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कितना भाई, तो 40.51 by 32, ठीक है। ON नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना भाई 30.38 by कितना जाएगा मेरे पास 16 आ गया। अब हमें करना क्या होगा, इसको हमको परफेक्ट कट करके लिखना होगा, तो खैर डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने किया क्या है कैलकुलेटर रखा हुआ है, ऐसे आप अपने घर में बनाओगे तो यूज कर सकते हैं, या ज्यादा बेहतर होगा कि खुद से करें, तो हमारे पास वीडियो पर वो ऑनलाइन है इसलिए ज्यादा टाइम आपका इन्वेस्ट ना हो, इसलिए किए क्या है अपने हाथ में रख लिया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से करेंगे आसानी से आ जाएगी, ठीक है करो। चलो भाई कितना है 29.11 डिवाइड बाय 23, एक मिनट गड़बड़ा गया यार, 29.11 डिवाइड 23 इज इक्वल टू, हाँ आया हमारे पास डिवाइड किया तो भाई 1.26। चलिए अगला को करना है कितना हमारे पास भाई 40.4
51 डिवाइडेड बाय 32। लो भाई आ गया, इसका हमारे पास कितना आया 1.26। चलो भाई इसका कर ले जाए कितना आता है, चलिए कितना भाई 30.38 डिवाइडेड बाय 16। चलो भाई कितना आ गया 1.89। चलिए डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद रेशियो कैसे निकालते हैं समझिएगा, है ना। तो चलो भाई जो डिवाइड करके आए उसको यहां पर रखो, 1.28 1.28 1.89। जो डिवाइड करके रख दिया, अब जो आप डिवाइड करके ले आए हैं नंबर्स ऑफ मोल आया, आप देखिए सबसे कम कौन है, लिस्ट वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑफ मोल इज डिवाइडेड बाय देम। कहने का मतलब कि जो सबसे कम वैल्यू आएगा उससे क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। चलिए तो मेरे पास सबसे जो कम है यही दो है, ये तो मेरे पास ज्यादा है, तो किसी से जो कम है कर लो भाई। जब आप यहां करोगे है ना, तो 1.26 और 1.26, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा मेरे पास, हुआ इसको कैंसिल करो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और इसको आप कैंसिल कर लो, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो दो हमको, डिवाइडेड बाई एक मिनट 1.89 डिवाइडेड बाई 1.26। लो भाई आ गया 1.5। आगे चलिए यहां से एक बात आपको बताते हैं, मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया है। अगर मान लो भाई 1 1 उसको डिवाइड करते हो तो मान लो कि 2 आ जाता, तो मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या क्या आएगा, मेरे पास सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, तो कितना आ जाता 1 1 और 2, यही ना था। जब यहां पर 2 आता तो, बट यहां पर हमारे पास आया कितना है 1.5, तो हमें रखना क्या होगा यहां पर 1.5। आप बोलोगे सर हमने ऐसा फॉर्मूला कभी देखा ही नहीं, आपके अनुसार तो बनना चाहिए NaSO 1 1 और 1.5, आपके हिसाब से ही बनना चाहिए, हम लिखिया बट हमने ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा, हम लिखी आपने नहीं देखा तो हमने कहां देखा, हमने भी नहीं देखा, है ना, क्योंकि जो मेरे पास फार्मूला में जो नंबर्स ऑफ मोल होता है वह परफेक्ट रूप से मेरे पास होल नंबर में होता है, तो हमें करना क्या होगा, होल नंबर बनाना होगा, है ना, तो हम होल नंबर ही बनाएंगे। तो होल नंबर के लिए क्या करना होगा, शायद इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 हो जाएगा, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर ले 2 से, 4 से भी करेंगे तो होगा, बट हमको लिस्ट वैल्यू करना है, ऐसा छोटा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है जो करे क्या पूरा होल नंबर में आ जाए, 2 से करेंगे 3 बन जाएगा, कर लिया। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया आपको पता चल गया, क्योंकि जो मेरे पास फॉर्मूला है पॉइंट में नहीं होती है, और जब पॉइंट में नहीं होती है तो उसे होल नंबर बनाने के लिए हमें कोई ना कोई डिजिट से डिवाइड करना ही पड़ता है, इसलिए हमने किया क्या 2 से डिवाइड कर लिया। ओके, तो 2 से सिर्फ एक का नहीं करेंगे, जितना एलिमेंट्स है सबको करेंगे, तो यहां भी 2 से कर लो भाई, और यहां भी 2 से कर लो, तो 2 हो गया और इतना हो गया, यानी मेरे पास फार्मूला होगा कितना होगा, सोडियम होगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा। सोडियम कितना हमारे पास 2 है, सल्फर कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना मेरे पास है 3 है। लो भाई आ गया एम्पिरिकल फार्मूला, बन गया, यस। तो आपको सोच विचार करना है कि मेरे पास पॉइंट आ जाए तो कितना से मल्टीप्लाई कर लूं कि मेरे पास होल नंबर बन जाए। कभी कभी हमारे पास यही परेशानी आते हैं,
कि पूरा हम प्रयास करते हैं होल नंबर करने के लिए बट नहीं आता है, तो आता कितना भाई? तो मान लो कि 2.9 आ गया और 2.9 आ गया उसको कह नहीं पा रहे हैं हम, तो जब नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे भाई? इसको 3 मान लोगे, क्योंकि 2 तो है 0.9 हो गया और 2 से हम 3 तक ही पहुंच पाएंगे, तो जो राउंड ऑफ होता है कंप्लीट में तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। मान लो भाई 2.4 मेरा 4 आ गया, तो 2.4 आ गया तो 3 इसको नहीं करेंगे, इसको 2 ही रहने देंगे, क्योंकि हमें हर हाल में होल नंबर मिला, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है बुक में तो आप इस टाइप से बना सकते हैं, और आपको हमने बनाने के लिए सिखा दिया एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ऐसे में आपके पास क्वेश्चन बहुत सारा है, हम और क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता है हम ऑनलाइन हैं, और ऑनलाइन है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सब क्वेश्चन बनाना मेरे पास संभव नहीं है। ऐसे इस आधार पे बनाएंगे, आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और ऐसे प्रयास करेंगे कि और आपको अच्छे से अच्छे सुविधा दिया जाए, ठीक है। बाकी वाला अपने क्लासरूम में कर लेंगे। और चलिए, आप कहाँ हो भाई? इंसेंटिव, और चैनल क्या है? इंसेंटिव पटना। तो हम आपको इंसेंटिव पटना चैनल के माध्यम से आप तक वीडियो लगातार पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी कुछ ड्यूटी होता है। ड्यूटी क्या है? तो सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक, ये तीनों चीज को करते रहना है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर का। इसलिए भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इंसेंटिव हर घर तक, हर बच्चे तक और हर पेरेंट्स तक पहुँचे, जिससे आपको पढ़ने और किसी प्रकार की फ्यूचर में होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। और हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से 11th 12th ये सारे टॉपिक को इसी टाइप से आपके पाठ्य पुस्तक को हमने चैनल पर रख देंगे, ताकि आपको हर तरह की परेशानी से दूर रखा जाए, ठीक है भाई। तो चलो भाई, बहुत अच्छा हुआ, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो क्या होगा वो बताया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है भाई। चलो भाई, ठीक है, थैंक्स।